हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में। सब कुछ एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे आप कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट घर बैठे एकदम आराम से बना सकते हो, 10th का कैसे कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना सकते हो, 12th का कैसे कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना सकते हो, और LLB 3 ईयर्स वाले बंदे सुने, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी LLB 3 ईयर्स में अप्लाई किए हैं, सबको डिग्री का जैसे ग्रेजुएशन का कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से किए तो पोस्ट ग्रेजुएशन से लगे। मैं आपको ऑफिशियल PDF भी दिखा सकता हूं। यहां पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, LLB 3 ईयर्स पे जाइएगा तो आपको ऑफिशियल PDF मिल जाएगा। यहां पे लिखा भी है डॉक्यूमेंट टू अपलोडेड अलोंग विद द ऑनलाइन कैप एप्लीकेशन फॉर्म सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, मतलब कैप वही 2021 LLB 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोड एडमिशन। जस्ट इसके हम नीचे आएंगे, वो KBUB भी बताया चाहिए, तो मैं इस पे एक नया वीडियो भी बना दूंगा। ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पर ये ऑफिशियल PDF पे भी बना दूंगा, डोंट वरी। देखो, आपका 10वीं पे भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलोंग विद द कन्वर्जन। पर अगर वो CBSE, ICSE और IGSE वाले बंदे हो ना, IP वाले बोर्ड हो ना, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। सच कैंडिडेट्स विल हैव अ प्रिपेयर्ड द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे देख सकते हो। और क्योंकि जो महाराष्ट्र कैंडिडेट बच्चे है ना, उनको पास ऑलरेडी ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको परसेंटेज भी दिया रहता है, टोटल मार्क्स भी दिया रहता है, इसके वजह से उनको जरूरत नहीं पड़ती है। पर CBSE वाले, ICSE, IGSE, IB वाले बंदे है ना, उनका मार्कशीट कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करते हैं। इंग्लिश में कितना में से कितना मिला है, देखो थियरी में उसको 76 मिला है, और प्रैक्टिकल में 20 में से 20 मिला है उसको, उसके बाद से टोटल कितना हुआ, 96 हो गया। पर 96 कितने 100 में से 96 मिला है, और इसका टोटल लिखा है क्या, देख सकते हो, रिजल्ट पास हुआ है और ये लिखा हुआ है, टोटल नहीं मिला है। और जो CET वाले हैं, उनको टोटल एग्रीगेट चाहिए रहता है, आपको 10th में कितने में से कितना मिला, तो सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे तो उससे मैच करेंगे, ये नहीं लिखा रहता है। इसके वजह से उनको, अगर आपका कुछ सर्टिफिकेट इस टाइप का, जैसे मान चलो आप ऑल ओवर इंडिया से हो, गुजरात से हो, ये अगर आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का है, अगर या फिर CGPA में है 10th और 12th का सर्टिफिकेट, तो आपको जरूरत पड़ेगा कन्वर्जन सर्टिफिकेट का। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हो, यहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर ये CGPA वाला भी बताया, यहाँ पे देख सकते हो आप, CGPA सिस्टम है तो उनके लिए भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और जो ग्रेजुएशन वाले है ना, उनके लिए, सबके लिए जरूरत पड़ेगी। आप भले ही आपका डिग्री में मार्क्स में हो या फिर CGPA में हो, इसको जूम करके आप देख सकते हो, यहाँ पे डिग्री मार्कशीट, कैंडिडेट हैज टू ऐड ऑल द मार्क्स फॉर ऑल सेमेस्टर एंड ऑल ईयर ऑफ द डिग्री कोर्सेज टुगेदर एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स कंसीडर बाय द यूनिवर्सिटी बोर्ड अवॉर्डेड टू द सर्टिफिकेट, जो भी आप रहेगा। यहाँ पे देखो बोल्ड लेटर में लिखा है, कैंडिडेट हैज टू अपलोड अ सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आप खुद से बनाया हुआ और अटेस्ट किया हुआ, इसलिए आप साइन करोगे तो सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट विद द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना है। एक आपको डेमो दिखा देता हूं, फिर बताऊंगा वो कैसे बन सकता है। आप यहां पे देख सकते हो, जस्ट इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहां पे थोड़ा और ऊपर जाएंगे कि आपको अच्छे से देखो, आपको कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट एक PDF बनाना है, लिखा रहेगा ग्रेजुएशन मार्कशीट विद कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये LLB 3 ईयर्स वाले के लिए, सबके लिए है। तो प्लीज LLB 3 ईयर्स वाले, ये वीडियो ध्यान से देखो, सब कुछ बताने वाला हूं। सेमेस्टर 1 का PDF, मतलब सेमेस्टर 1 का मार्कशीट, सेमेस्टर 2 का मार्कशीट, और जस्ट नीचे सेमेस्टर 3 का मार्कशीट, थोड़ा और नीचे आते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। आप यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है, आपका मार्कशीट है, और नीचे आएंगे और नीचे सेमेस्टर 4 भी देख सकते हो, सेमेस्टर 5th, सेमेस्टर 6th यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। मैं ये कैसे बनता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको बताऊंगा, डोंट वरी, एकदम इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूं, पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं। और सेम टू सेम यहाँ PG के लिए लिखा है, आप देख सकते हो, इफ द PG मार्कशीट है 2 ईयर, मतलब 2 साल का, ईयरली वाइज है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, तो आर द सेपरेट कैंडिडेट आर अपलोड द बोथ मार्कशीट, दोनों मार्कशीट आपको अपलोड करना है, उसके बाद से उनके पास से कन्वर्जन सर्टिफिकेट, देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, और कन्वर्जन सर्टिफिकेट उनको पास होना चाहिए, और वो कैसे बनाते मैं ये भी बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे आप कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना सकते हो। अगर पहले 10th 12th का बताएंगे, फिर उसके बाद से आपका अलोंग जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट इन मल्टीपल अटेम्प्ट, ये दोनों बताने वाला हूं, फिर आपको डिग्री और PG का बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक
तक देखिएगा, LLB 3 years वाले प्लीज देखिएगा। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो समझ ले रिजेक्ट हो जाए तो आप घबरा जाओगे। और देखो एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे, अगर आपको कोई भी डाउट होता है एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग या फिर करियर ग्रोथ के रिगार्डिंग, मेरे लिए क्या अच्छा है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यार फिर आप मान चलेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो आप घबरा जाओगे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाके पूछ सकते हो। आधे घंटे के अंदर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आधे से एक घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा। और तो इसके वजह से बोल रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो। चलिए बताते पहले, अगर आपका मार्कशीट कुछ इस तरह का है, माफ करिएगा, अगर आपका मार्कशीट पहले 10th 12th का बताएंगे फिर ग्रेजुएशन का बताएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाले बंदे जरा वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, अगर ये भी जरूरत है आपको तो ये भी देख लो, पर वो ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका कुछ इस तरह का फॉर्मेट में अगर मार्कशीट है या फिर 10th और 12th का CGPA में है, तो मैं बताऊंगा कैसे उसका कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना सकते हो। और एक और मैं देखो मिस कर दिया, कन्वर्जन सर्टिफिकेट विथ मल्टीपल अटेम्प्ट, उनका जो फॉर्मेट रहेगा ना कुछ इस तरह का रहेगा, आपको दिखा देता हूं एक मिनट। इस तरह का उनका कन्वर्जन सर्टिफिकेट इन मल्टीपल अटेम्प्ट, ये एक्चुअली बीपीएड का लगेगा, बीएड को लगेगा, एलएलबी 3 इयर्स वाले को लगेगा, एलएलबी 5 इयर्स वाले को लगेगा। तो ये चारों जो कोर्स वाले बंदे हैं ना, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाओ, कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट का लगे, मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे इसके वजह से। पर तभी भी इस वीडियो में एक फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं, उस वीडियो में जाके आप कैसे बनाते हैं, कहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली जो फॉर्म रहेगा आपको यहीं से डाउनलोड करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, जो भी मतलब बीएड वाले बंदे हो चाहे एलएलबी 5 इयर्स वाले बंदे हो, यहाँ पे आ जाइएगा, मतलब 5 इयर्स पे, उसके बाद से यहाँ पे लिखा ही रहेगा, देख सकते हो कन्वर्जन सर्टिफिकेट इन मल्टीपल अटेम्प्ट, यहाँ पे वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद से मैं बता दिया हूँ, ज्यादा वीडियो में बता नहीं सकता, वीडियो को लंबा नहीं कर सकता, पर आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखो 10th सर्टिफिकेट इन मल्टीपल अटेम्प्ट, अगर आप 12th में अगर दो बार में पास किए, जैसे 2020 में आप 5 सब्जेक्ट में पास हुए, एक सब्जेक्ट में फेल हुए, एक सब्जेक्ट के लिए फिर से एग्जाम दोगे, तो वो भी नया मार्कशीट आएगा, तो उसका दूसरा मार्कशीट, उसके बाद से कन्वर्जन सर्टिफिकेट। इसको कैसे सेव करते हैं, यहाँ पे वर्ड में सब कॉपी पेस्ट कर लिए, सेव एस पे गए, और सेव एस जहां भी करना है, डेस्कटॉप पे करना है आपको, डेस्कटॉप पे कर दिए, उसके बाद से यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ ना, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पीडीएफ कर दीजिए और सेव कर दिए, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हुआ, यही अपलोड कर दिया, सिंपल सी बात है। देखो अभी थोड़ा देर में खुल जाएगा, ये हो रहा है, आप देख सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में खुल गया, यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाओगे, देखो पीडीएफ फॉर्मेट में खुल गया, आराम से समझ रहे हो आप। तो आप ये अगर कन्वर्जन सर्टिफिकेट इन मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बंदे हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है वहां पे क्लिक करो, वो अच्छे से दिखो। अब चलिए बताते हैं कुछ इस तरह वाले मतलब बंदे को, जो माफ करिएगा वो किधर गया, चलिए उसको डाउनलोड ही कर लेते हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एलएलबी 3 इयर्स पे गया, यहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट लिखा है ना, यहाँ पे जस्ट गया, उसके पास ये लोड हो रहा है, फटाफट लोड हो जाए यार, हो गया जस्ट इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड डॉट पीडीएफ नाम से सेव करना है, अलग ही फॉर्मेट में, डॉट पीडीएफ नाम से सेव करना, आपको भी सेम ऐसा ही करना है, डॉट पीडीएफ नाम से सेव करना है इसको, तो ही पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा, नहीं तो अलग ही फॉर्मेट में सेव हो जा रहा है, देख सकते हो ये अलग फॉर्मेट में सेव होगा। मैं गलती से पीडीएफ को शॉर्ट मतलब छोटे फॉर्मेट में लिखना चाहिए मुझे, कैप्स में लिख दिया, तो एक्सटेंशन लेता नहीं है पीडीएफ। अभी अब देखो सेव हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी लिखा है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ लिख किया गया, ये अलग ही फाइल ओपन हो रहा है, समझ रहे हो। तो पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ आपको इस तरह का दिख जाएगा, इसको जूम कर लेते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो यार, बिलो आर द सैंपल कॉपी ऑफ द एसएससी मार्कशीट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एवाई एकेडमिक ईयर 2018 इन एसएससी मार्कशीट सीबीएसई बोर्ड मेंशन द मार्क्स ऑब्टेन ऑफ ई सब्जेक्ट। वही बताया है कि सीबीएसई बोर्ड वाले सिर्फ कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है वही बताया है, इन अ मार्कशीट मार्क्स ऑब्टेन इन ई सब्जेक्ट इज मेंशन बट टोटल एग्रीगेट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, टोटल परसेंटेज या फिर टोटल एग्रीगेट ऑप्टेन ऑन एसएससी इज नॉट बीन मेंशन, तो इसके वजह से आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जस्ट नीचे आते फटाफट, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, फटाफट आपको बता देते हैं। अब देखिए अगर कोई भी मतलब सीबीएसई आईसीएसई वाले के लिए ही नहीं, कोई भी मतलब ऑल ओवर इंडिया का मतलब ग्रेजुएट गुजरात बोर्ड वाले हो, यूपी बोर्ड वाले, अगर आपका मार्कशीट अच्छा ही है, अगर टोटल मार्क्स या परसेंटेज नहीं लिखा, टोटल मार्क्स लिखा तो भी चल जाएगा, बेसिकली डिग्री में नहीं चलेगा, टोटल मार्क्स वहां पे परसेंटेज जरूरी है, पर 10th और 12th के लिए आपको बेसिकली टोटल मार्क्स लिखा है तो चल जाएगा। तो यहां पे ये जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनको तो चल मतलब कन्वर्जन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी परसेंटेज और टोटल मार्क्स लिखा रहता है, वो सिर्फ आईसीएसई और अदर्स बोर्ड वालों के लिए है, या फिर मतलब कोई और बोर्ड के हो, आपका एग्जाम आपका मतलब
जो सर्टिफिकेट है सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है तो आपको जरूरत है। तो आपको कैसा इसको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना है, ये ऐसा सेम टू सेम इसी तरह का बनाइए। वर्ड में चले जाइएगा, यहाँ पे देख सकते हो क्या चेंजेस है, आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लिखा हुआ सेम टू सेम ऐसे आपको घर बैठे बनाना है। यहाँ पे रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर नेम, फादर्स नेम, नेम ऑफ द स्कूल, जस्ट इसके और नीचे आएंगे हम। उसके बाद से ये टेबल आपको बनाना है, मैं बताऊंगा कैसे आप ये टेबल बना सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, मार्क्स ऑफ टेन, मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स आपको लिखना है, 100 में से कितना मिला ये आप लिख दिए। बस इसमें एक चीज ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हो टोटल मार्क्स ऐड किया हुआ है, मतलब टोटल मार्क्स, यही आपका मेंशन नहीं था उधर ही जो डिग्री का सर्टिफिकेट दिया था, मतलब बोर्ड का आपको जो सर्टिफिकेट दिया था 10th और 12th का, उसमें यही मेंशन नहीं था, टोटल मार्क्स इनको यही चाहिए रहता है, इसके वजह से कन्वर्जन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी। टोटल मार्क्स लिखा और उसके बाद से जैसे जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। जैसे मतलब 460 मिला हुआ है, उसके बाद से 500 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इनटू 100 कर दिया, जैसे 460 डिवाइड बाय 500 और 0.92 आ जाएगा, और इनटू 100 कर दिया तो 92% आया। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कैसे मतलब मार्क्स टू परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर गूगल सर्च कर लो या फिर ऑटोमेटिक दिया, मैं बता भी दिया हूं ना फॉर्मूला, जितना आपको मार्क्स मिला है मार्क्स ऑफ 10 अपॉन मतलब डिवाइड बाय मतलब कितना आउट ऑफ मार्क्स 500 इनटू 100 कर दीजिए, आपको 92% आ जाएगा। और सेम टू सेम जैसा लिखा है ना, सेम टू सेम आपको ऐसा लिखना है, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर लेना है, इसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे खुद का सिग्नेचर कर देना, सेल्फ अटेस्टेड यही हो गया, पेरेंट्स का सिग्नेचर कर देते हैं क्योंकि आप 10th 12th में हो ना, मतलब अभी आप एडल्ट नहीं हुए हो तो इसके वजह से अभी अंडर 18 हो ना, इसके वजह से पेरेंट्स का साइन लगा है। और मैं ये बताता हूँ कैसे आप ये कर सकते हो, ये पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया, कैसे ये सर्टिफिकेट बना सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, जैसा दिख रहा है इसको कॉपी करो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वर्ड में चलता हूँ, वर्ड में ये वाला फॉर्मेट आपका कहाँ पे है, हाँ देख सकते हो ये वाला है, हो जस्ट इसके नीचे है। मैं ऑलरेडी एक आपको फॉर्मेट बना के रखा हूँ, सब सेट करके रखूंगा, आपका टाइम नहीं लगे, देख सकते हो ये चीज आपको मैं ऑलरेडी से बना के रखा हूँ कि मतलब सेम टू सेम आपको कैसे करना है। जैसे मैं अभी जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट मल्टीपल 10th और 12th का जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट का पीडीएफ नहीं बनाया था आपको, आपको दिखे रहे हो, वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए और मैं बताया कैसे इसको पीडीएफ में कर सकते हैं। वर्ड में जाइएगा, सेव एस करिएगा, तो उसके बाद सेव एस पीडीएफ कर दीजिए, पीडीएफ में सेव हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड वाले पे कॉलम में आइएगा, यहाँ पे थर्ड पेज पे आइएगा, मैं आपको आ रहा हूं थर्ड पेज पे आके, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद थोड़ा इसको जूम करते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे आपको देखिए कन्वर्ज थोड़ा नीचे आ जाए यार, रुक जाओ नीचे कर देता हूँ इसको मैं, नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट लिखा है ना, यहाँ पे इसको एंटर कर दीजिएगा, देख सकते हो ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट को हाईलाइट कर दीजिएगा, देखो यहाँ पे करके यहाँ पे बोल्ड कर दीजिएगा, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद से यहाँ पे ये तो है ही, ये तो ऑलरेडी जैसा ऐसा वैसा ही लिखा ही था, यहाँ पे 2020 लिख दिया, 2020 में पास हुए हो तो यहाँ पे 2020 लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ इसका एंटर कर दीजिएगा, मैं रोल नंबर करके यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। मैं बताऊंगा इसको कैसे, देख यहाँ पे क्लिक किया ना रोल नंबर पे, जस्ट इसको इधर क्लिक किया ना और ये वाले पे जाओगे ना तो बीच में हो जाएगा, देखो एक साइड में हो जाएगा, माफ करिएगा साइड में हो जाएगा। इसको फिर से सेम ऐसे ही एंटर करने का, फिर उसके बाद फादर्स नेम को भी ऐसा ही जाके एंटर कर देने का, फिर उसके बाद स्कूल नेम पे भी जाके ऐसे एंटर कर देने का, फिर उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कर्सर लेके जाना और ये ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे करते जाना, मतलब पता नहीं इसको क्या मतलब एक साइड में करता है बेसिकली ये फंक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे करके एक साइड में कर देता है, इस पे क्लिक करता हूँ देख सकते हो सेम टू सेम बन रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, आप खुद से बता सकते हो। अब टेबल बनाते हैं, चलिए थोड़ा नीचे और करते हैं, आपको टेबल बनाना सिखा देते हैं, जस्ट इसके एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल का माफ करिएगा, यहाँ पे टेबल होगा, टेबल कैसे बनाते हैं वो बता देते हैं। यहाँ पे टेबल होगा ना, टेबल आपको कितना चाहिए, मतलब बेसिकली आपका 5 रहता है, मतलब एक तो आप ऊपर सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट नेम लिखोगे वो एक लाइन हो गया, उसके बाद से 5 सब्जेक्ट होगा आपके या 6 सब्जेक्ट जितना भी सब्जेक्ट होगा, तो समझ लीजिए 5 सब्जेक्ट है तो 5 एक ऊपर वाला 6 फिट एक टोटल का, मतलब एक कॉलम जोड़ोगे एक लाइन जोड़ोगे रो जोड़ोगे तो समझ जाइए कि आपका 5 6 7 7 लगेगा आपका। और इधर कितना लगेगा बेसिकली आपका एक कोड सब्जेक्ट कोड एक सब्जेक्ट नेम टोटल मार्क्स और कितना मिला वो, मतलब 4 आपको ये लगेगा और 4 और 7 का बनाना है, 4 और 7 का यहाँ पे देख सकते हो, 4 और 7 का देख सकते हो यहाँ पे बन गया। यहाँ पे सब्जेक्ट SUB JCET सब्जेक्ट कोड लिखो और यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट नेम फटाफट हो जाए यार। उसके बाद से यहाँ पे लिखो मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कितना आपको मार्क्स मिला है, यहाँ पे लिखा आउट ऑफ मार्क्स
उसके बाद से यहाँ पे सब्जेक्ट कोड जो भी है वो आप डाल दीजिएगा, जैसे मान चलिए सब्जेक्ट कोड एक है आपका या फिर जो भी है सब्जेक्ट कोड, तो मार्कशीट पे लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो आप एक जोड़ लीजिएगा। उसके बाद से सब्जेक्ट नेम आप मान चलो इंग्लिश लिख दो या फिर मैथ्स लिख दो, यार मैथ्स में आपको कितना मिला, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स में आपको कितना मिला, 80 मिला, 80 के ऊपर 100 में से कितना मिला है, 100 में से पूरा मतलब 100 में से मेरे को 80 मिला है। फिर एक नीचे है ना, नीचे आपको टोटल मार्क्स नहीं है, सब्जेक्ट लिखा है ना, इधर ही आप टोटल लिख दीजिए, टोटल टोटल लिखिए, टोटल मार्क्स लिखो जो है, फिर टोटल जो भी रहेगा टोटल मार्क्स लिख दो यार, टोटल जो भी रहेगा वो लिख सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट में जो ऊपर जाना चाहता हूँ, क्या दिया है एक मिनट यार, यहाँ पे टोटल मार्क्स दिया था, टोटल मार्क्स लिखो, सेम टू सेम यही फॉर्मेट में रहेगा, बस सब्जेक्ट आपका चेंज रहेगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स, मार्क्स लिख जा एम में, यहाँ पे देख सकते हो टोटल मार्क्स मिला, कितना मिला है, मतलब ये पूरा जोड़ लीजिए, पांचों सब्जेक्ट का जोड़ लीजिए, मान चलो आपको तो मिल गया 400 मिल गया, और कितने में से मिला ये पूरा पांचों सब्जेक्ट का, मतलब 500 हुआ ना, मतलब 100-100 मार्क का लेके 500 हुआ। उसके बाद से आप सेम टू सेम ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, किधर गया इधर, यहाँ पे जस्ट नीचे आइएगा, जस्ट नीचे आइएगा, ये सेम टू सेम ऐसा है ना, सेम टू सेम ऐसा कॉपी कर लीजिएगा, पीडीएफ से बनाओगे ना, देखो कॉपी हो गया, इसको कॉपी किए उधर जाके पेस्ट कर दोगे, यहाँ पे वर्ड में जाके किधर ये था ना, हाँ इधर ही बना रहा था, जस्ट इसके नीचे आएंगे, ये नहीं था माफ करिए, ये ग्रेजुएशन का खुल गया मेरे से, ये बना ये ही था ना, हाँ ये था, जस्ट इसके और इधर आएंगे, इसको एंटर करेंगे, अरे इधर आके एक मिनट, हाँ जस्ट इसको स्क्रॉल करके नीचे आया, इसको कर्सर को यहाँ पे ले गया, इसको पेस्ट यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे पेस्ट हुआ है ना, यहाँ पे एक्चुअली एंटर करते जाओ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एंटर हो गया, फिर 92% के बाद एंटर करना है आपको, फिर ये बेसिकली इसको हटा दीजिएगा, फिर उसके बाद से कहाँ से एंटर करना है, यहाँ से शायद आपको एंटर करना है 92% यहाँ से, फिर समझ गया ना कैसे बनाना है आपको, सेम टू सेम यहाँ पे आपका कितना गया था 400 गया था ना, तो 400 यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर 500 में से जितना परसेंटेज आता है वो सेम टू सेम यहाँ पे एडिट करके लिख दीजिएगा, नीचे जो सिग्नेचर आएगा ना यहाँ पे बता देता हूं, सिग्नेचर वाला चे सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, यहां पे जस्ट इसको एंटर किए, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स को एक साइड में कर लीजिएगा, आई होप आप सीख गए रहोगे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट को इसको एंटर नहीं, ये साइड ऊपर ही एंटर करने का था, इसको साथ में ही इसको ऐसा करके मतलब इधर करके यहाँ पे आप देख सकते हो गया हो गया, देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द पेरेंट्स, इसको इधर आ जाएगा, इसको इधर और हो जा हो गया, इसको एंटर कर दीजिए, मैं एंटर कर देता हूँ, देख सकते हो, देखो सेम टू सेम फॉर्मेट हो रहा है कि नहीं, कैसे हुए? तो अब आप ये जान गए कैसे आपको अगर ये इस टाइप का आपका फॉर्मेट आया है, जैसे इसका आपको टोटल मार्क्स नहीं दिया हुआ है तो इस तरह का फॉर्मेट बनाना है, और सेम टू सेम आपको ये सीजीपीए के लिए भी बता देता हूँ, सीजीपीए अगर आपको आया तो सीजीपीए कैसे आपको कन्वर्ट करना है वो बता देता हूँ, जस्ट नीचे आएंगे, मान चलिए आपका जो आपका डिग्री है वो सीजीपीए में है, ये आप देख सकते हो सीजीपीए लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो उनका सीजीपीए 8 CGPA 10 में से 9998 मिला हुआ है, और उसके पास ग्रेड दिया हुआ है, आपको टोटल CGPA भी लिखा हुआ है, जैसे इसको ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल CGPA लिखा हुआ है 9.4 उनको ओवरऑल CGPA है, तो इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो CET मार्क्स में सिर्फ लेता है, तो उसको सेम टू सेम जैसे कन्वर्जन सर्टिफिकेट बताया ना, अब इसी भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेम टू सेम आपको ऐसे बताना है, नेम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट नेम, नेम ऑफ द स्कूल, और उसके पास क्या करना है ना, इसको पूरा जैसे ही फॉर्मेट है ना सेम कॉपी कर लीजिए, सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए, कॉलम आप बना लीजिए, मैं बताया हूं कैसे कॉलम आप बना सकते हो, यहाँ पे आपको कितना मतलब ये एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, ग्रेड पॉइंट, आपको कौन सा ग्रेड सीजीपीए मिला है, 9, 9, 9, 10, 10, 9 मिला है, उसको एक फॉर्मूला होता है मार्क्स में कैलकुलेट करने का, क्योंकि वो मार्क्स में मांग रहे हैं तो एक फॉर्मूला होता है, ये भी कॉपी कर लीजिए, फॉर्मूला ऑफ द मार्क्स शीट कैलकुलेटेड सब्जेक्ट वाइज इंडिकेटेड परसेंटेज एंड ओवरऑल इंडिकेटेड परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला ये भी वहां पे कॉपी कर लीजिए, देख सकते हो यहाँ पे कॉपी करके वर्ड में पेस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका पीडीएफ फाइल कैसे बनता है वर्ड में, आप वीडियो को एकदम ध्यान से स्टार्टिंग से देखते रहोगे, तो जब मैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट का बताया था ना, तो उनको बता दिया था, तो सेम टू सेम आप वैसा कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, ये फॉर्मेट भी सेम रहेगा फ्रेंड्स, जैसे आप टेबल रहेगा ना, जैसे मैं टेबल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा एकदम कॉलम आएगा, रो भी एकदम देख सकते हो, सेम टू सेम ऐसे बनाना है, बस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, सीजीपीए जो मिला है वो, और फॉर्मूला में यहाँ पे 9.5 से मल्टीप्लाई करना, जैसे मान चलो आपको 6 सीजीपीए मिला है, इंग्लिश में आपको 6 सीजीपीए मिला है, तो 9.5 × 6 कितना हुआ, जो भी 9.5 × 6 कैलकुलेट कर लो, चलो कैलकुलेटर खोल देता हूं, कैलकुलेटर एक माफ करिएगा,
कैलकुलेटर यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे 9.6 लिख देता हूँ, 9.5 से मल्टीप्लाई करना। अगर मान चलो आपको 6 CGPA मिला, 9.5 × 6 ये कर लीजिएगा और इज इक्वल टू कर लीजिए 57, आपको 57 मार्क्स मिला हुआ है। और मान के चलिए इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद से अब हिंदी में आपको मिला हुआ है कि 7 CGPA, तो 9.5 × 9 माफ करिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, 9.5 × जैसे ऊपर जाएंगे इंटू आपको कितना मिला है, 7 CGPA मिला है, तो 7 से आपको 66.5 मार्क्स मिला है। तो सेम टू सेम आप मार्क्स का, जैसे मार्क्स लिखा हुआ है ना, मार्क्स ऑब्टेन, सेम टू सेम वो लिख दीजिएगा मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स, बेसिकली 10 पॉइंटेड है तो 100 ही रहेगा, तो 100 में से आपको 85 मिला, बेसिकली जो 9 मिला है इंग्लिश में, जो ये फॉर्मेट बता रहा हूं, तो 85.5 मिला हुआ है 100 में से, ये मार्क्स ऑब्टेन है, इसको जोड़ लीजिए, टोटल मार्क्स लिख दीजिएगा, और उसके पास कितना हुआ है, बेसिकली 5 सब्जेक्ट है तो 500 हो गया मार्क्स, और यहाँ पे अपना CGPA लिख दिया, ये चीज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर CGPA लिख दीजिए क्योंकि आपका CGPA में, और सेम टू सेम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिएगा, मार्क्स और कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यहां पे जो भी आपका मार्क्स मिला है वो इनटू 100 और डिवाइड बाय 500, ये भी फॉर्मूला है, ये भी जैसे ही मिलेगा आपको वो परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिया, पर मैंने कैलकुलेट करके देखा था ना, जैसे आपको कितना मार्क्स मिला, जैसे 446 डिवाइड बाई 500 इनटू 100, तो सेम टू सेम वैसे भी वही तो है फॉर्मूला ना, तो ना जो भी मतलब आपको परसेंटेज आएगा वो आप लिख दीजिए, इसको सेम टू सेम आप वैसे ही कॉपी कर लीजिएगा, सेम टू सेम वैसे कॉपी कर लीजिएगा, आप एडिट कर लीजिए, समझ गए, तो CGPA मिला है या फिर आपको मार्क्स मिला है वो मैंने पूरा समझा दिया। अब डिग्री की बात करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे डिग्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री को कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिला है, डिग्री को कन्वर्जन सर्टिफिकेट सबको जरूरत है, जो LLB 3 इयर्स वाले बंदे हो तो आपको डिग्री का सबको कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए, इंपॉर्टेंट है उनके लिए वीडियो, अब उनको अच्छे से समझाते हैं, इसको थोड़ा कट कर देते हैं। देखिए आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा डिग्री के, अगर सेमेस्टर वाइज है तो आपका 3 साल का हुआ है, जो भी है 4 साल का हुआ है, बेसिकली 3 साल सब ग्रेजुएट ही होंगे ना, तो बेसिकली आपका 3 साल का रहेगा, तो या तो ईयरली वाइज होगा, या तो मतलब 1 साल में एक बार एग्जाम होता है, या फिर 6-6 महीना में एग्जाम होता है, तो जो 6 महीना में एग्जाम होता है उनका आप देख सकते हो, वह स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, पहले ना जिसको 6 महीने में एग्जाम हुआ है और जिसका CGPA में मार्क्स आता है वो बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद मार्क्स में आता है वो बताएंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का CGPA वाला बताएंगे, फिर मार्क्स वाला बताएंगे, पूरा एकदम डिटेल में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, देख सकते हो CGPA, आपको CGPA मुझे, ये मेरा मार्कशीट है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है मेरा, फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देख रहा है मेरे को कितना CGPA मिला है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइनिंग में आपको कितना मिला है मेरे को, जस्ट यहाँ पे आएंगे आपको देख सकते हो 9 मिला है, 9 CGPA मिला और A+ मिला हुआ, तो ये देख सकते हो ग्रेड पॉइंट CGPA इसको ही बोलते हैं, 9 इसको ही मिला है, तो आप ये 9 मिला है ना, तो मैं इसको एक बार क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाएंगे या ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब एक रफ पेपर लेके बैठ जाइएगा, ये मेरा सेमेस्टर वन का पूरा कैलकुलेशन है, आपको मार्क्स में कैलकुलेट करना है, सेम टू सेम वैसा ही बनाना है, किधर गया, ये आप देख सकते हो ये आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, और आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट कहीं से आपको कुछ बनाना की जरूरत नहीं, डिग्री वाले बंदे हैं उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, उनको क्या करना है सिर्फ यहाँ पे जस्ट आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, इसको आपको LLB 3 इयर्स पे जाना है, 3 इयर्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिल रहा है, LLB 3 डिग्री कन्वर्जन सर्टिफिकेट, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, डाउनलोड मत करना, राइट क्लिक करना है, ओपन लिंक न्यू टैब खोलना है, आपको देख सकते हो यहाँ पे वर्ड फाइल में ऑटोमेटिक खुल गया, इसको ओपन कर लीजिए वर्ड में और ऊपर खुल गया एक मिनट, यहाँ पे एनेबल एडिट है ना, यहाँ पे कर लीजिएगा, या फिर इसका पहली बात ना जाके आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आप देख सकते हो इसमें बहुत बहुत कुछ है, मतलब अगर आपका सेमेस्टर वाइज तो जस्ट इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर सेमेस्टर वाइज है तो पहला सर्टिफिकेट सेमेस्टर वाइज के लिए है, अगर आपका मार्क्स वाइज है जैसे ईयर में ईयर वाइज है या फिर मार्क्स वाइज है ईयर में ही मार्क्स वाइज है तो उनका ये देख सकते हो, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उनका आपको टोटल मार्क्स या फिर आउट ऑफ मार्क्स ये देखने को मिल जाएगा, ये ईयर वाइज की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला सर्टिफिकेट था वो सेमेस्टर वाइज का था, आपको देख सकते थे, सर्च इसके और नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सेमेस्टर वाइज के लिए, यहाँ पे जस्ट इसको जूम कर दे, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा,
पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन से आप अप्लाई किए हो तो ये वाला, अगर सेमेस्टर वाइज वाला मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका मार्क्स सेमेस्टर वाइज आ रहा है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अगर आपका ईयर वाइज मार्क्स में आ रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर का मार्क्स इतना मिला है, सेकेंड ईयर का मार्क्स इतना मिला है, तो आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अब बता दिए कहां से सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है और कैसे करना है। अब ये बताता हूं कैसे आपको कैलकुलेट करना है। सेमेस्टर वाइज का बता दूंगा मार्क्स, उसके बाद से जो मार्क्स वाइज है और ईयर वाइज है वो बहुत इजी हो जाएगा। और सेम टू सेम पीजी वाले, जैसे मैं डिग्री का बता रहा हूं, सेम टू सेम वैसे पीजी के लिए भी है। तो पीजी वाले और डिग्री वाले दोनों एक साथ देखो, दोनों ध्यान से देखो। जैसे मान के चलिए ये मेरा सर्टिफिकेट है या मेरा ग्रेजुएशन का, मतलब आप सेमेस्टर वन का, ये जैसा सेमेस्टर वन का बताया हूं सेम टू सेम वैसा ही सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर, सेमेस्टर फाइव, सेमेस्टर सिक्स को आपको करना। मैं सेमेस्टर वन का बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाए, जूम कर लेते हैं। देखिए जो पहला है, पहला मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइनिंग, उसमें मुझे मिला है 9 पॉइंटर। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग विद पाइथन, उसके बाद मुझे मिला है उसमें 5 पॉइंटर। मैं एक्सेल पे जाता हूँ, आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। देखिए मेरा सेमेस्टर वन, मुझे सब्जेक्ट वन में 9 CGPA मिला है, तो मुझे इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। देख सकते हो यहाँ पे जो आपका एक मिनट जो आपका ये दिया हुआ है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, वो कितना सेमेस्टर वन में आपको कितना मार्क्स मिला है, कितने में से पूरा सेमेस्टर वन में आपको कितना सब्जेक्ट था, 5 सब्जेक्ट था। प्रैक्टिकल मत जोड़िएगा, प्रैक्टिकल और थियरी ये मत, सिर्फ सब्जेक्ट है, जो थियरी सब्जेक्ट है 100 में से कितना मिला वही जोड़िएगा। मान के चलिए आपको 100 में से सब्जेक्ट वन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइनिंग मुझे 100 में से 90 मिला है, तो 100 में से ये 90 ये नहीं लिखना है, ये पूरा सेमेस्टर का मार्क्स आपको जोड़ के लिखना है। सेमेस्टर का मार्क्स आप पूरा कैलकुलेट करिएगा। तो मैं बताता हूं आपको सेमेस्टर वन का मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम टू सेम आपको सेमेस्टर टू का वैसे करना है, सेम टू सेम आपको सेमेस्टर थ्री का ऐसे करना है, ऐसे ही आपको सेमेस्टर सिक्स तक करना है। और उसके बाद से जोड़ना है जितना मार्क्स हुआ, जैसे आउट ऑफ मार्क्स कितना हुआ, 700 का एक सेमेस्टर होता है, किसी किसी का 500 का होता है। जैसे मेरा तो 4 सेमेस्टर 700 का था, उसके बाद से 5th और 6th सेमेस्टर 500 का था, तो 4 सेमेस्टर का मैंने पूरा जोड़ा। उसके बाद से मैं आपको दिखा भी दूंगा, डोंट वरी। पहले सेमेस्टर का मार्क्स कैसे जोड़ते हैं वो बता देता हूं आपको। देखिए मेरा सेमेस्टर वन में मतलब सब्जेक्ट वन में CGPA 9 था, तो मैंने क्या किया, CGPA टू मार्क्स कैसे कन्वर्ट करते हैं ये फॉर्मूला देख लीजिए। 9.5 से मल्टीप्लाई करना है आपको 9 CGPA से, जितना आया वो आपका मार्क्स हो गया। फिर मेरे को सब्जेक्ट टू में 5 CGPA मिला, तो 9.5 से इनटू मल्टीप्लाई करना है 5 से, मतलब 9.5 इनटू 5 किया तो 47.5 मार्क्स मुझे देखने को मिल गया। सेम टू सेम मुझे थर्ड सब्जेक्ट में मिला है, बेसिकली सबका सब्जेक्ट अलग होगा, इसके वजह से मैंने सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री लिखा। सब्जेक्ट थ्री में मुझे 8 CGPA मिला, तो 9.5 इनटू 8 तो मेरे को 76 मार्क्स मिल गया। और उसके बाद से यहां पे सब्जेक्ट फोर में मुझे 9.5 इनटू 7 कर दिया तो मुझे उसका मार्क्स मिल गया। सेम टू सेम ऐसा मुझे 6 CGPA मिला, तो 9.5 इंटू 6 से मुझे 8 CGPA मिला, तो 9.5 इंटू 8, फिर मुझे 10 CGPA मिला, तो 9.5 इंटू 10 कर दिया, तो ये पूरा मेरे को मार्क्स हो गया। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, 9.5 प्लस 47.5 प्लस 76.5 प्लस 66.5 57 प्लस 76 प्लस, सबको प्लस कर लीजिए 95 प्लस, मतलब टोटल जोड़ने में कितना आ गया 503.5, मतलब 503.5 आ गया मेरे को। उसके बाद से यहाँ पे आउट ऑफ को जोड़ लो, कितना हुआ, 7 सब्जेक्ट हुआ ना, तो 700 हो गया। तो अगर आपका जो सेमेस्टर वाइज है तो यहाँ पे सेमेस्टर वन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, 503/5, और यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, 700 लिख दो। और इसको क्या करो ना, एक फंक्शन है यहाँ पे, ये कर लो बीच में कर लो, यहाँ पे देख सकते हो ये फंक्शन में ये किया तो आप यहाँ पे बीच में आ गए। सेम टू सेम आपको आपको सेम टू सेम अब सेम टू में करना है, जैसे मैं बताया ना 9 जो भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिला है। आप मेरा डिग्री का सब्जेक्ट देख सकते हो, डिग्री का मार्कशीट देख सकते हो, नीचे और भी कुछ है, देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिकल है, ये मैंने नहीं जोड़ा है। प्रैक्टिकल को आपको जोड़ना ही नहीं है, समझ रहे हो, सिर्फ आपको जितना सब्जेक्ट हुआ है वही जोड़ना है, समझ रहे हो। आपको अगर प्रैक्टिकल वैक्टिकल जो भी बंदे वाले वो प्रैक्टिकल है आपका, तो वो सब नहीं जोड़ना है आपको, सिर्फ सब्जेक्ट में कितना मिला पर्टिकुलर वो जोड़ना है। यहाँ पे देख सकते हो 500 ऑप्टेन और कितना मिला, 700 में से मुझे 500 मिला है। सेम टू सेम एक मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है, वो वाला जरा खोलते हैं। यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, यहाँ पे आपका नाम ओम आ जाएगा। ये अगर सेमेस्टर वाले बंदे हो तो अगर यहाँ पे मार्क्स ऊपर नाम ओम लिख दीजिएगा और ये प्रिंट निकाल लीजिएगा इसका। उसके बाद से यहाँ पे आपको देख सकते हो मुझे 503 में 700 में से। सेम टू सेम आप इसको जस्ट इधर आएंगे, इसको एकदम मिडिल में कर लेंगे। आई होप मिडिल में कर लोगे ये सब, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, जस्ट एक और कर लेता हूँ, उसके बाद से रहने देता हूँ। हो गया,
देख सकते हो मुझे सेकेंड सेमेस्टर में 600 मिला है, थर्ड सेमेस्टर में मुझे 639 मिला। इसको मैंने क्या किया, जो इतना मार्क्स मिला है ना, मैं बता दिया कैसे आपको टोटल कितना मार्क्स ऑप्टेन है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए मेरा बाद में 500 का सब्जेक्ट हो गया, 500 सब्जेक्ट था, तो मैं 500 लिखा और 430 मार्क्स मिला। मैंने टोटल पूरा इसको जोड़ लिया, कितना हुआ 3282 मार्क्स हो गया, 0.5 में आ गया। और इसको पूरा जोड़ लिया, 700 700 700 700 500 500, तो 3800 हो गया, मतलब 3800 हो गया। तो उसके बाद से मैंने इसको क्या किया, मतलब 3282.5 डिवाइड बाय 3800 इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। इसको क्लियर कैंसिल कर देते हैं, इसको थोड़ा इधर लाते हैं। कितना मिला है मेरे को, 3282.5। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 मिसिंग हो गया यार, तो पीछे जाते कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 यहाँ पे करते हैं, पॉइंट डालते हैं, फिर उसके बाद से 5 डालते हैं, डिवाइड बाई करते हैं 3 से 8 से 0.0। आपको देख सकते हो यहाँ पे 0.8638 यहाँ पे देखने को मिल गया, इनटू आप 100 करोगे तो आपको पूरा 86.38% देखने को मिल जाएगा। इसको पूरा कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आप सेम टू सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और सेम टू सेम यहाँ पे आपका परसेंटेज आएगा। ये आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट हो गया। कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे ये अपलोड करना जा रहा है, ये आपको दिखा देते हैं। यही है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये वाला, हाँ यही देख सकते हो, ये सेमेस्टर वन का आपको मार्कशीट आएगा। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दिया था, आपका यहाँ पे लिख सकते हो ग्रेजुएशन मार्कशीट विद कन्वर्जन सर्टिफिकेट। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हो सेमेस्टर वन लिख सकते हो, जो आपका एफसी सेंटर वाले है ना, वो मेंबर बैठे है ना, उनको भी एकदम ईजी होना चाहिए। अच्छा सेमेस्टर वन का मार्कशीट है, आप वैसे मार्कशीट अपलोड कर दोगे तो कोई मतलब नहीं, जैसे वैसे मार्कशीट कॉपी पेस्ट कर दोगे ना तो वो भी कंफ्यूज हो गए। तो ये सेमेस्टर वन लिखे, उनका काम एकदम ईजी कर दीजिएगा, तो वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। सेमेस्टर टू, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, यहाँ पे आपका लास्ट में कन्वर्जन सर्टिफिकेट देख रहे हो। मैंने मार्क्स भी लिख दिया, नाम आपको लिखना है और इधर सिग्नेचर करना है, इधर आपको नाम लिखना है, बस हो गया। अब चलिए मार्क्स वाले पे बताते हैं, जस्ट यहाँ पे जाएंगे, लास्ट था ना, हाँ ये तो आपका हो गया। उसके बाद से मान चलिए आपका ईयर वाइज है और मार्क्स में हो गया। जैसे मान चलो मेरा 503 फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना मिला, जो भी 1000 मिला है, 1000 नहीं मिला है, 900 मिला हुआ है 1000 में से। वैसे मतलब 7 × 2 = 14 होता है ना, तो मेरा तो 1400 का है ना, 1400 हुआ और इसमें से मेरे को 900 मिला हुआ है। और सेम टू सेम आपका जो भी रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट रहेगा तो 1000 हुआ ना, तो 1000 में से आपको कितना मिला है, समझ जाइए कि 700 मिला हुआ है। तो अब ये 900 700 जोड़ लीजिएगा, कितना हुआ, 1600 हुआ ना, और उसके बाद से ये 1400 2400 हो गया आपका, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2400, एक और आएगा हजार बराबर है, यहाँ पे 1600 लिख दो, और उसके बाद से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, समझ रहे हो, यहाँ पे कैलकुलेट करो। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको सिखा भी देता हूँ, 16 माफ करिएगा, इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, 1600 डिवाइड बाय 2400 जितना आ गया, इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 करोगे तो 66% देखने को मिल जाएगा। तो मैं गलती कर दिया, अब छोड़िए, माफ करिए, यहाँ पे आपको 66% देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 66.6% आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 1600 आएगा, यहाँ पे 2400 आएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। और सेम टू सेम आप सब पीजी वाले के लिए करना है। पीजी वाले में क्या, बस 4 सेमेस्टर रहता है, मैं बता दिया, ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर रहता है, पीजी में 4 सेमेस्टर रहता है। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रहता है, माफ करिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रहता है, और ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रहता है। मैंने एक मिस कर दिया क्या, हाँ मैंने मिस कर दिया, माफ करिएगा, यहाँ पे थर्ड ईयर में एक और सब्जेक्ट रहता है, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूं, माफ करिएगा, यहाँ पे एक और सब्जेक्ट आएगा। जो भी आपका मार्क्स रहेगा 700 ही जोड़ लीजिएगा 1000 में से, जो भी रहेगा आपका टोटल वो जोड़ के उसके बाद से मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, थैंक यू।